आत्मा की शांति के लिए ज़रूर दुआ करें। इस समय हम जीएमसी जम्मू में यहाँ पर मौजूद हैं और आपको बताते चलें कि कुछ ही दिन पहले जम्मू के मीरा साहिब में एक बड़ा ही दर्दनाक हादसा हुआ, हादसा पेश आया जिसमें एक व्यक्ति की उसमें जान चली गई है, लेकिन उसका परिवार में से कोई भी यहाँ पर नहीं है कि उसका जो है वो संस्कार वगैरह जो भी रहता है वो यहाँ पर किया जा सके। लेकिन सल्यूट करना होगा इंसानियत की सेवा को और उनकी पूरी टीम को जो हमेशा जम्मू कश्मीर की बात करें तो इससे बाहर के लोगों की बात करें तो हमेशा हर किसी की मदद के लिए आगे रहती है। खासकर किसी गरीब बेटी की अगर शादी नहीं हो रही हो तो उसकी शादियाँ तक कराती है, किसी के घर में अगर राशन नहीं है तो उसे राशन जो है वो वहाँ पर पहुँचाती है, किसी के घर में रहने के लिए अगर कोई ठिकाना नहीं है तो घर भी बनाकर देती है। लेकिन आज एक बार फिर से इंसानियत की सेवा उस वक्त आगे आई है जब एक व्यक्ति की जान जाने के बाद उसका कोई भी परिवार का सदस्य यहाँ पर नहीं पहुँचा तो उसका जो संस्कार वगैरह रहेगा वो जो है वो इंसानियत की सेवा ने करने की जो है वो जिम्मेदारी यहाँ पर ली है। अमित कपूर जी इंसानियत की सेवा के जो चेयरमैन हैं, फाउंडर हैं, वो हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। अमित कपूर जी, काफ़ी दुखद भरा ये हादसा हुआ है जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई है, लेकिन ज़्यादा दुखद तब रहा जब परिवार वाले भी यहाँ पर नहीं पहुँच पाए, लेकिन आज आपने एक इंसानियत की सेवा जो कि एक नाम ही आपने अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन का वैसा रखा है और वैसा ही आप काम यहाँ पर कर रहे हैं, उसका संस्कार करने का जिम्मेदारी जो है वो आपने और आपकी टीम ने ली है, क्या कहना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि दो दिन पहले जैसे इस बाइक का एक्सीडेंट हुआ था और जब इनका एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद इनका जीएमसी के अंदर ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा था, तो आज उनकी सुबह डेथ होगी और पोस्टमार्टम वगैरह हुआ और उनके चाचा जी के जो बेटे हैं वो हमारे बीच में हैं यहाँ पे, तो उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने बोला कि डेड बॉडी को हम वहाँ पे लेके नहीं जा सकते, तो हम ये चाहते हैं कि क्रीमेशन वगैरह यहाँ पर हो घर के अंदर। सब लोग परेशान हैं, सब लोग बहुत दुखी हैं, ये उनका जो चाचा जी का बेटा है ये, और इन्होंने संपर्क किया, हमारे भाई हैं प्रदीप जी, इनके साथ संपर्क किया और फिर हम लोगों ने डिस्कस किया और ये डिसाइड किया कि जो क्रीमेशन है वो हम जम्मू में करवाएंगे मीरा साहब के अंदर, क्योंकि एक्सीडेंट हुआ था और आप देख सकते हैं कि हर एक की आंखों के अंदर जो आंसू हैं, क्योंकि इनका भाई है वो, इनकी फैमिली का एक भाई जो है आज इनके बीच में नहीं रहा और हम लोग ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते हैं और हम इनके गम में शरीक होने के लिए जो हमने सोचा कि हम कम से कम जो है इनका क्रीमेशन जो है वो हम अपना साथ होके करवाएं और जितनी भी हमारी इंसानियत की सेवा की टीम जो है हमारे साथ है, और जैसे अब नरेंद्र जी आप भी इंसानियत की सेवा के लिए हर जगह आप भी हमारे साथ शाना बशाना हमारे साथ खड़े रहते हैं, तो मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि आप प्रॉपर जो सपोर्ट करते हैं, और प्रदीप भाई का बहुत शुक्रगुजार हूँ, और प्रदीप भाई ने आज से पहले भी जब ये इंसानियत की सेवा के साथ नहीं थे तब भी इन्होंने कम से कम 10 से 12 जो ऐसे क्रीमेशन वगैरह जो ऑलरेडी अपने हाथों से करवाए हैं, और महामाई इनको मतलब खुशी दे और लाइफ के अंदर आने वाले टाइम के अंदर इनको खुशियाँ दे। लेकिन आज मुद्दा जो है, मुद्दा ये है कि हमारे भाई की फैमिली से, उनके उनके परिवार से एक भाई जो है उनके बीच में नहीं रहा, जो ये परेशान हैं, दुख में हैं, और हम इनके दुख में शरीक होने आए हैं, तो आज जो क्रीमेशन वगैरह हो जाएगा और उनकी अस्थियों को जो है उनका भाई जो है वो यहाँ से घर लेके जाएगा। काफ़ी दुखद पल हैं, देख सकते हैं कि उनके चाचा के जो भाई हैं वो यहाँ पर हैं, लेकिन संस्कार करने के लिए भी इनके पास इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन ऐसे में इंसानियत की सेवा को उनकी पूरी टीम को खासकर अमित कपूर जी को दिल से सल्यूट करना होगा, जो हमेशा जो है वो लोगों के लिए आगे आते हैं और हमेशा उनकी जो हो मदद करते हैं। तो आप सब लोग भी ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें ताकि अगर आपके इलाके में अगर कोई गरीब है, कोई अपनी बेटी की शादी नहीं करवा पा रहा है या किसी मुसीबत में है तो इनसे जो है वो अमित कपूर जी से कॉन्टैक्ट करें। इंसानियत की सेवा, इनका जो ऑफिशियल पेज है फेसबुक पर, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं और वहाँ पर भी इनके द्वारा किए गए जो काम है वो वहाँ पर आप देख सकते हैं। फिलहाल काफ़ी दुखद पल हैं, आत्मा की शांति के लिए जिस भी व्यक्ति की जान गई है उनकी आत्मा की शांति के लिए ज़रूर दुआ करें, और फिलहाल अमित कपूर जी के लिए भी सल्यूट लिखिएगा और इंसानियत की सेवा के लिए जिन्होंने इस व्यक्ति की जो है वो उसका जो अंतिम संस्कार करने की जिम्मेदारी ली है पूरी तरह से, जितना भी उस पर खर्चा वगैरह आएगा वो जो है वो इंसानियत की सेवा करेगी। देखते रहें जम्मू ट्रिब्यून, कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।